हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली ग्रीन इनकम में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2020 में लीग फेज अब ख़त्म हो चुका है, तो प्लेऑफ के मैचेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और पहला क्वालिफायर मैच जो खेला जाना है वो हैदराबाद और चेन्नई के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो अपने दिमाग में ये याद रखिएगा, ये मैच 8 बजे से नहीं है, यानी ड्रीम इलेवन में इसकी डेडलाइन 7 बजे अभी तक रहती थी रात वाले मैचों की, लेकिन अब इस मैच की डेडलाइन 6 बजे तक ही रहेगी। तो अपनी टीम आप 6 बजे तक ही बदल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले ये मैच स्टार्ट होंगे। तो 7 बजे के चक्कर में आप कहीं अपनी टीम एडिट करना ना भूल जाएं। तो फ्रेंड, जैसा कि पता है, इस मैच को जीतने वाली टीम सीधा से फाइनल में पहुंचेगी। तो दोनों ही टीमें अभी इस मैच को जीतकर सीधे फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी। तो हम बात करने वाले हैं आज के इस मैच के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, साथ ही साथ प्लेइंग 11 के बारे में, जो टीम में एक चेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक अच्छी टीम आप बना सकें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाया हुआ है ढूंढ के मैं, तो हमारे वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज की मैच की प्लेइंग 11। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैच जो वेन्यू है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। और आपको पता है कि जो मुंबई की पिच है वो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकते हैं। मुंबई में जितने भी मैचेस आपने देखे होंगे बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच गए होंगे। अगर बात करें आज की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो आज आपको पता है कि ओमेन का जो आईपीएल एग्जीबिशन मैच है वो भी इसी ग्राउंड पे खेला जाना है, सेम ग्राउंड पे खेला जाना है 2 बजे से। और 2 बजे से जैसे वो मैच ख़त्म होगा उसके बाद से फिर चालू होगा आईपीएल का काउंटडाउन। तो आईपीएल का ये जो मैच होगा ये सेकेंड मैच होगा उसी ग्राउंड पर आज ही की डेट में। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि पिच स्लो हो सकती है, अगर स्लो होती है तो फिर बॉलर के फेवर में पिच जाना स्टार्ट कर देगी। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें बैलेंस टीम बनानी है, सिर्फ बैट्समैन फोकस नहीं करना है, हमें बॉलर की तरफ भी ध्यान देना है। अभी तक अगर बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड के बारे में, टोटल 8 मैच खेले गए हैं, 8 मैचों में जिसमें से चेन्नई की टीम ने जीते हैं 6 मैच और एसआरएच की टीम ने जीते हैं 2 मैच। वहीं अगर बात करें आईपीएल 2018 की, तो आईपीएल 2018 में दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए हैं और दोनों ही चेन्नई सुपर किंग ने जीते हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2018 में दोनों के दोनों मैच सनराइजर हैदराबाद को हराए हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो उसके बाद बॉलिंग स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चेन्नई की जो टॉप ऑर्डर है उसको जो बैटिंग के लिए जानी जाती है उसको आसानी से फेल कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं आज के मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चेन्नई की प्लेइंग 11 देख सकते हैं, इसमें जो शेन वॉटसन जो पिछले मैच में नहीं खेले हुए थे उनको रेस्ट दिया गया था, तो क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट मुकाबला नहीं था इसलिए उनको रेस्ट दे दिया गया था। ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मैच में शेन वॉटसन की वापसी होगी और सैम बिलिंग या फिर डुप्लेसिस में से कोई एक बाहर जाएगा। तो ओपनिंग करते हुए फिर से आपको हम बायती राइडू और शेन वॉटसन दिखेंगे। इसके अलावा सुरेश रैना, एम एस धोनी और सैम बिलिंग और डुप्लेसिस में से कोई एक खेल, ज़्यादा चांसेस जो बनते हैं वो सैम बिलिंग के बनते हैं, डुप्लेसिस का बाहर जाना तय है। इसके अलावा डैन ब्राउ, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, और जिन्होंने पिछले मैच में बैटिंग भी अच्छी कर दी, यानी उन्हें मौका मिलेगा तो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, उन्होंने ये पिछले मुकाबले में साबित कर दिया। इसके अलावा हरभजन सिंह, लुंगी एनगड़ी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे, यानी कि दूसरा 4 विकेट हॉल जो था आईपीएल में इस साल का किया वो लुंगी एनगड़ी ने। इसके पहले अभी तक आईपीएल की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही 4 विकेट एक ही बार लिए गए थे इस आईपीएल में। इसके अलावा सरदुल ठाकुर, जो अभी तक चेन्नई की तरफ टीम की तरफ से ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, जिन्होंने अभी तक पूरे आईपीएल में सरदुल ठाकुर ने 16 विकेट लिए हुए हैं। वहीं अगर सबसे ज़्यादा रन एंड स्कोर की बात करें तो अंबाइटी राइडू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर अभी तक चेन्नई की टीम से हैं। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम में देख सकते हैं कि जो ओपनिंग करते हुए आपको शिखर धवन दिखेंगे, इनके साथ में एलेक्स हेल दिख सकते हैं। हालांकि एलेक्स हेल और कार्लोस ब्रैथवेट में थोड़ा सा डाउट है कि किसको प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट जो हैं वो भी अगर उनकी बात की जाए तो वो हालांकि वो ओपनिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो वो लास्ट में आके जो एक लास्ट टाइम पे बड़े बड़े
शॉट खेलने की ज़रूरत होती है वो कमी को पूरा कर सकते हैं। कार्लोस ब्रैथवेट बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और हिट करने के लिए जाने जाते हैं, तो उनको उनकी हिटिंग पावर की वजह से उनको मैच में एंट्री मिल सकती है, जगह मिल सकती है। हालांकि एलेक्स हेल का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, इतना बेकार नहीं रहा था, दोनों चांसेस लगभग लगभग बराबर बनते हैं। तो ज़्यादा चांसेस अगर देखा जाए तो कार्ल ब्रैथवेट बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन हालांकि बॉलिंग की एसआरएच के पास कोई कमी नहीं है, तो दोनों का 50-50 मान सकते हैं, कोई भी खेल सकता है, इसमें कह पाना मुश्किल होगा। हालांकि मैं शाम तक आपको कंफर्म कर दूंगा कि कौन खेलेगा 90%। हालांकि ये स्पॉट जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं। इसके अलावा केन विलिंगहम, अभी तक हैदराबाद की ओर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन केन विलिंगहम ने, जिन्होंने लगभग हर मैच में 50+ स्कोर किया हुआ है, तो आज भी उनसे ऐसी ही पारी की उम्मीद होगी। इसके अलावा मनीष पांडे प्रेशर में या मुसीबत के समय हमेशा अच्छा खेले हैं। जब भी आपने देखा होगा टीम इंडिया की तरफ से, तो हमेशा जब भी टीम को उनकी ज़रूरत हुई उन्होंने अच्छे रन बनाए हुए हैं। इसके अलावा साकिब हसन, यूसुफ पठान, श्रीवास्तव गोस्वामी जो कि विकेट कीपरिंग करते हुए नज़र आएंगे, और अगर कार्लोस ब्रैथवेट खेलते हैं तो फिर श्रीवास्तव गोस्वामी यहाँ से ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, जैसा कि पिछले मैच में किया हुआ था। हालांकि अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है और हाई स्कोर कर देती है, तब फिर तो केन विलिंगहम ही ओपनिंग करने आएंगे। इसके अलावा राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल ये खेलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें संदीप जो बॉलिंग में, वो संदीप शर्मा, यानी अगर ये बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो फास्ट बॉलिंग जो ट्रैक होगा वो लीड करेंगे सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा और भुवनेश्वर कुमार, और स्पिन बॉल की जिम्मेदारी जो होगी वो साकिब हसन और राशिद खान के ऊपर होगी। तो अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, साथ ही साथ माई टीम इलेवन के बारे में, कि क्या कौन से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे, कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस होंगे। तो आइए चलते हैं अब ड्रीम इलेवन। तो फ्रेंड्स आज की टीम देख लेते हैं, उसके पहले अगर आपका जो ओमेन का मैच होना है उसके अगर आप ड्रीम इलेवन में खेलना या किसी और साइड में खेलना चाहते हैं, तो इसकी मैंने प्लेइंग इलेवन ड्रीम इलेवन टीम पहले अपलोड कर दी, आप चाहें तो हमारे वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ टीम देख लेते हैं, चेन्नई और हैदराबाद के बीच में जो मैच होने वाला है, तो यहाँ से देख सकते हैं विकेट कीपर के तौर पर हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं। रिद्धिमान शाह का तो खेलना तय नहीं है, वो चोटिल हैं, पिछले काफ़ी मैचों से टीम से बाहर चल रहे, तो उनका आना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया हुआ। अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं श्रीवास्तव गोस्वामी और एम एस धोनी का, जिसमें अगर दोनों की बात की जाए तो एम एस धोनी बेटर चॉइस हैं एज़ कम्पेयर टू श्रीवास्तव गोस्वामी, क्योंकि श्रीवास्तव गोस्वामी का बैटिंग ऑर्डर कोई कन्फर्म नहीं है। अगर एलेक्स हेल खेलते हैं तो फिर उनको बहुत ही निचले ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेजा जाएगा, अगर हालांकि एलेक्स हेल नहीं खेलते तो फिर उनको ओपनिंग कराई जा सकती है, लेकिन उसके भी कोई फिक्स नहीं है। तो अगर हमारे पास क्रेडिट अच्छा बचता है तो फिर हम धोनी को प्रेफर करेंगे ज़्यादा, अगर हमारे पास क्रेडिट नहीं बचता है तो फिर हमारे लिए श्रीवास्तव गोस्वामी ही बेटर ऑप्शन होंगे। तो हम यहाँ से अभी फिलहाल धोनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास क्रेडिट की प्रॉब्लम होगी तो फिर हम श्रीवास्तव गोस्वामी से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर बात करें बैटिंग सेक्शन देख सकते हैं केन विलिंगहम जो कि सबसे टॉप स्कोर रहे हैं, इसके अलावा अंबाती रायडू, यहाँ से देख सकते हैं मनीष पांडे, शिखर धवन, इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन बचता है सुरेश रैना का बचता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सुरेश रैना, यूसुफ पठान, एलेक्सएल के थोड़े से डाउटफुल हैं, हालांकि आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन बच रहा है यहाँ से सुरेश रैना बच रहा है। अब देखिए मैंने चार बैट्समैन ले लिए हैं, अगर मैं सारे के सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ले लूँगा तो मेरे सामने क्रेडिट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में बात कर लेता हूँ, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से देख सकते हैं कि शेन वाटसन, साकिब हसन, और अगर बात करें रविंद्र जडेजा काफ़ी अच्छे चार ओवर बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग करने भी ब्रावो से थोड़ा इस समय ऊपर आ रहे हैं। हालांकि जो पहला मैच हुआ था चेन्नई और मुंबई के बीच में इसी ग्राउंड पे, उसमें डेन ब्रावो ने बहुत ही अच्छे 68 रनों की पारी खेली थी और चेन्नई को जिताया हुआ था। तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में बात कर लेते हैं, बॉलिंग सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ से संदीप शर्मा काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा सिद्धार्थ कौल, दीपक चहर। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे सामने क्या होता है कि क्रेडिट प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें यहाँ क्रेडिट प्रॉब्लम मेंटेन करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि या तो हम साकिब हसन को छोड़ना होगा हमें,
साकिब को छोड़ने के लिए साथ हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा कि हम राशिद खान को यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्रेडिट बचाने के लिए सबसे अच्छा जो आपके पास ऑप्शन है वो लुंगी एनगिड़ी का है, आराम से आपका क्रेडिट मेंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आप संदीप शर्मा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके पास जो ऑप्शन बच जाता है वो तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि इस मैच में क्रेड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस मैच में मैं किसी भी बैट्समैन को इनमें से चार बैट्समैन में से किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने चारों को टीम में सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं चारों को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे देख सकते हैं यहाँ विकेट कीपर के तौर पर मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और मुझे श्रीवास्तव गोस्वामी को लेना पड़ रहा है। हालाँकि मैं MS धोनी को लेना चाहता था लेकिन उनको नहीं ले पा रहा हूँ। इसके अलावा देख लो मुझे कंप्रोमाइज़ एक करना पड़ रहा है जो यहाँ हरभजन सिंह को लेना पड़ रहा है, बल्कि मैं इसकी जगह पर सैदुल ठाकुर या फिर दीपक चहर में से किसी एक को लेना चाहूँगा, लेकिन जो क्रेडिट की प्रॉब्लम हो रही हुई उसकी वजह से मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अगर किसी तरह इनमें से कोई एक प्लेयर आप छोड़ सकते हैं, आप किसको छोड़ना है अगर मुझे कुछ कंफर्म होता है तो मैं आपको शाम तक बता दूंगा। जैसे ही आप इनमें से किसी एक प्लेयर को किसी बड़े प्लेयर को मिस करते हैं तो वैसे ही आपकी जो क्रेडिट प्रॉब्लम है सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। और आपको पता ही है जब तक आप थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप ग्रैंड लीग में विन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देखो रिस्क कैसे लिया, आप अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो सबसे अच्छी चॉइस होंगे सुरेश रैना और केन विलियमसन। सुरेश रैना जो कि इनको मैंने कैप्टन क्यों बनाया हुआ ये आप समझते होंगे कि जब भी IPL के बड़े मैचेस हुए हैं तब तब सुरेश रैना ने रन बनाए हुए हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैं उनको कैप्टन यहाँ पर वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले बड़े मैचों में काफ़ी अच्छा किया, खासकर क्वालिफायर सेमीफाइनल जो मैचेस होते हैं उनमें। तो अब यहाँ से देखो रिस्क कैसे लिया था, ये हमारी फाइनल टीम है। आप देखो रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप धवन को मिस कर सकते हैं, ये तो हमारी एक टीम हो गई। अब मैं दूसरी टीम के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप धवन को मिस करने के बाद क्या कर सकते हैं कि मनीष पांडे को ले सकते हैं। जैसे मनीष पांडे को लेंगे आप तो आपका जो यहाँ आपने कंप्रोमाइज़ किया हुआ था, तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैं आसानी के साथ अब दीपक चहर को ले सकता हूँ, दीपक चहर को ले सकता हूँ। साथ ही साथ एक क्रेडिट हमारे पास बच भी जाता है आराम से, तो देख सकते हैं यहाँ से आराम से कम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। तो अब मैं यहाँ हरभजन को छोड़ करके देख सकते हैं सैदुल ठाकुर को आराम से ले सकता हूँ, यानी एक भी प्लेयर मैंने छोड़ा देखो जो मेरा यहाँ पे कंप्रोमाइज़ था बॉलिंग सेक्शन में वो आराम से सही होगा। तो ये हमारी नेक्स्ट टीम हो जाएगी, देख सकते हैं ये भी टीम बहुत अच्छी है अगर शिखर धवन फेल होते हैं तो, हालांकि थोड़ी रिस्की टीम है। तो पहली टीम आपको सेफ टीम है, तो रिस्की टीम के साथ आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन रिस्की टीम आपको पता होता है कि रिस्की टीम जैसे ही अगर हमारा रिस्क लिया वो प्लेयर बेकार चला जाता है, यानी शिखर धवन अगर फेल हो जाते हैं तो फिर मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये टीम जीत सकती है आसानी के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और शाम तक मुझे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको फाइनल टीम आज तो 6 बजे डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो मैं आपको 5 से 5:30 बजे के बीच में फाइनल चेंजेस जो करने होंगे वो बता दूंगा अगर कुछ होता है तो। तो अभी तक अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी कप का वीडियो बस थोड़ी देर में आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए जल्दी से। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।